हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप गाइस आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। विदाई होने के बाद 2 दिन तक मैं नहीं उठी क्योंकि मेरे इतने सर में दर्द हो रहा था, इतना दर्द रात भर उसमें बैठने के कारण ना मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। बस उठती थी, खाती थी और सो जाती थी। मतलब शादी का ये 3रा दिन है, मैंने कुछ ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाया। 3रे दिन शाम को मैं थोड़ा सा ठीक हुई, दवाई मैंने खाए बहुत सारा, मैंने ऑयल डाला सर पे तब जाकर। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा शाम को निकल आए हैं, मैं, दीदी और मेरी फ्रेंड। हम लोग यही सब जो चटोरे वाले सामान होते हैं ना लड़कियों के, डोसा और गोलगप्पे, ये सब हम खाने के लिए, और सबके शादी में हम बहुत इंजॉय करते थे, बहुत अच्छे से खाते थे। बट अपने घर की शादी में हमने ना गोलगप्पे खाए और ना ये सब कुछ खाया। मेरी तबीयत ही खराब हो गई थी। मेरी दीदी आई है, 5 साल के बाद हम लोग डोसा खाने आए हैं। ये हमारी दीदी, सबसे बड़ी दीदी, और हम मिले हैं 22 साल बाद, शादी के बाद पहली बार। मटर कैसे, गोभी कैसे, पूरा सब्जी सब्जी। ये हमारी फ्रेंड के स्कूल है जहाँ ये पढ़ती थी। नहीं, इसी पढ़ती थी ना रे? इसी में, इसी सरदार राम पुकार है ना ये? सरदार राम पुकार है, बदल के अब सब राजकीय मध्य विद्यालय हो गया। और मेरा बड़ा वाला भाई पढ़ता था इस स्कूल में, पढ़ता था, देखिए इस वाले स्कूल, राहुल इसमें पढ़ा। तो गोलगप्पे खाने के बाद हम यहाँ बैठ चुके हैं डोसा खाने के लिए, और मैं दीदी को बता रही थी कि यहाँ पर राहुल पढ़ता था, यहाँ पर अमर पढ़ता था, और जो हमारी दीदी थी, हाँ वो भी इस स्कूल में पढ़ी थी जो सरदार राम पुकार था ना, इसी में वो भी पढ़ी थी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को गिफ्ट दिखा रही हूँ, ये मुझे मिला है, ये साड़ी जो आपने देखा, और ये जो बाउल सेट था, ये दोनों मुझे गिफ्ट में मिला है। मुझे मतलब ये साड़ी मिली है मम्मी को, और उसके बाद वो बाउल सेट था वो पी हुआ मिला है। क्या बोले, हम सब्जी खरीदने आए थे, सब्जी खरीद लिए, उसके बाद हम वीडियो ऑन किए हैं। सब्जी हम खरीद लिए आते ना, सब्जी मेरे को समझ गया, समझ में वहाँ पर भी जाएंगे, उसके पापा लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं, इसलिए मेरे समझ में नहीं आता। तो ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मम्मी का एकादशी का बर्थडे था, तो इस वजह से उन्होंने मुझे भेजा था कि थोड़ी सब्जी लेती हूँ। मैं सब्जी खरीदने सच में नहीं जाती हूँ, मैं बाहर रहती हूँ तो हस्बैंड जी लेकर आते हैं, यहाँ रहती तो मेरी मम्मी हमेशा लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं सब्ज़ी लेने जाती हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं कौन सा सब्ज़ी लूँ। और यहाँ पर ये 3रे दिन का ब्लॉग है, मतलब 2-3 दिन से ये मेरा ब्लॉग चल रहा है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं काली मंदिर, मुझे जाना था, जैसे कि आप लोग पता है हर शनिवार को हम जाते हैं, तो आज मैंने दीदी को बोला कि चलो आप भी दर्शन कर लेना। तो फिर हम तीनों की टोली निकल गई है यहाँ, और यहाँ पर हम काली माता के दर्शन करेंगे। ऐसे उनका आना होता मेरे लिए बहुत कम आती है, चलिए आपको दर्शन करा देते हैं, और मेरे को तो जाना ही था। तुम कहाँ चुप गई रे? व्हाइट व्हाइट नेकलेस चमक रहा है ब्लू में। यहाँ पर शनि देव का मंदिर भी है, तो मैंने तो पूजा कर लिया था, तो अब दीदी कर रही है। और इनके बच्चों को हमने आज तक नहीं देखा, देखा मतलब कि बस वीडियो कॉल पे ही बस बेटी को देखा है, बेटा तो बिल्कुल बात नहीं करता। और बच्चे सब कैसे होते हैं ना, फ़ोन में बात नहीं करना चाहते, मेरे बच्चे भी नहीं करना चाहते। मैं उनके घर से, मतलब मेरे घर से फ़ोन आता है तो बहुत मैं हाथ पैर जोड़ती हूँ कि प्रिंस बात कर लो। ऐसे ये गांव जाएंगे ना तो इतने मगन रहेंगे उनमें कि हमें भूल जाते हैं, बट वहाँ से आने के बाद फ़ोन में जब बोलेंगे कि बात कर लो तो फ़ोन में नहीं बात कर सकते, तो इसी तरह है। और कृतिका को हमने बहुत मिस किया, काश कि तुम आती तो हम लोग बहुत इन्जॉय करते, बट कोई ना, पता नहीं तुमसे हम लोग कब मिल पाएंगे। फाइनली दीदी से हम 22 साल बाद तो मिल लिए,
और उसके बाद यहाँ पर हम आ गए हैं। यहाँ पर भोलेनाथ जी हैं और भी बहुत सारे देवी देवता हैं। तो मैं जब आती हूँ ना, तो बस मैं काली माता की पूजा करके चली जाती हूँ। तो हमारा पूजा हो गया। हाँ, कुछ बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? मेरे बहन ससुराल चल गई है, इसीलिए हम लोग थोड़ा और एक कल जा नहीं पा रहे हैं, एक कल जाने वाली है। वो रहती तो पूरा इससे असर लग रहा है, थोड़ा फोटो वोटो ये उसका क्लिक करती, थोड़ा वीडियो वीडियो बनाती, वो सब मिस कर रही है। नहीं थोड़ा दीदी इधर से खींचना, थोड़ा इधर से खींचना, वही सब मिस कर रही है। मगर टेस्ट रहेगा ना उसमें। तो हम लोग आज जा रहे हैं इडली खाने के लिए। हमारी दीदी वहाँ पर रह के इडली डोसा बहुत मिस किए। नहीं वो उधर नहीं मिलते ना, इसलिए। और कल हमारी दीदी चली जाएंगी। जब तक आप जाइएगा तब तक वीडियो ये डलेगा। हम इडली खाने बैठ गए। तेरह रुपये खाना है। कितना भी मान लो किसी काम का नहीं है ना, क्या काम का है। कहीं जाने वाले हैं, उसका ब्लॉग आएगा इसके बाद, तो आप लोग बहुत इन्जॉय करिएगा। और इस वाले ब्लॉग को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा सन्नी भाई डल के माले इधर से आया ना सन्नी भाई, कि कोई कलर लगा दे हमारे सन्नी भाई को। हमारा सन्नी भाई बच गया। होली के दिन होली के दिन हम लगाएंगे। उस दिन नहीं डर लगेगा, आज तो डर के माले भाग गया भाई मेरा। उस दिन बाल में लग गया, सिर दर्द देगा और सिर दर्द देगा, और मम्मी ड्रेस खींचेगी तो मारेगी। यूनिफॉर्म में लगाना मना, स्कूल में भी बोला कि यूनिफॉर्म में लगाएंगे। और आज से एग्जाम खत्म हो गया भाई का हमारा ना भाई। आज से तो मेरा माता पिता स्कूल गया। आज से भाई एंजॉय करेगा। आज से तो एंजॉय नहीं, हम तो होली खेलते ही नहीं। रूपा रानी होली नहीं खेलती है, देखते हैं होली के दिन। नहीं कौन है बाबू? हाँ, किसी दे दो। अरे बापरे, इतना मीठा वाला किसी दिया बाबू? तो भैया हम कौन है बेटा, हम कौन है बाबू? बाबू हम कौन है बताओ? अच्छा बाय कर दो, चलो बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय।